वेलकम बैक गाइस। अपने सी प्लस प्लस के कोर्स में हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शन को देखा था और हमने ये देखा था कि किस तरह से हम एक फंक्शन को फ्रेंड बना सकते हैं, एक क्लास एक फंक्शन को फ्रेंड बना सकती है और एक मतलब कंपाइलर से काइंड ऑफ ये कह सकती है कि ये जो फंक्शन है वो मेरे सारे के सारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा। और ऐसा करने से ये होगा कि वो जो फंक्शन है वो उस क्लास के प्राइवेट डेटा को सेट गेट या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मैंने ट्यूब 26 बनाई है इसी के साथ साथ एक और फाइल यहाँ पर ऐड करूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा tube27.cpp और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट लिखूंगा और ये मैंने कोड स्निपेट बनाया हुआ है। किसी ने कमेंट में पूछा था कि मेरा बॉयलर प्लेट लिखने से नहीं आ रहा है, तो आपका नहीं आएगा क्योंकि आपने ये जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं करी थी और आपने वीडियोस नहीं देखे थे शायद शुरू को, जिसमें मैंने बताया था कि इसको कैसे सेट करना है यूज़र स्निपेट्स की मदद से। तो काइंडली आप शुरू से वीडियोज़ देखें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा आपका टाइम लगेगा बट आप लोग जो है शुरू से आखिर तक नॉलेज जो है ले पाएंगे। अगर आप एज्यूम कर लेंगे कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो शायद आप लोग मिस आउट कर देंगे चीज़ों को, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ क्लिक के प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फ्रेंड क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं और ये फ्रेंड क्लास का जो लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी ये जो कॉम्प्लेक्स क्लास है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं इस क्लास को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। और एक क्लास अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा क्या करती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मीन्स नॉन मेंबर्स सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अलाउड टू डू एनीथिंग। ओके, तो मैं एक काम करूँगा इसको हटा दूंगा यहाँ से, फ्रेंड कॉम्प्लेक्स सम कॉम्प्लेक्स को हटा दूंगा यहाँ से और सिंपल सी मेरी क्लास है जिसमें सेट नंबर और प्रिंट नंबर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हमने देखा था कि एक दूसरा फंक्शन इसका दोस्त बन सकता है और अगर यहाँ पर दोस्त बन गया है वो, तो वो इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है जो कि ए और बी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा कैलकुलेटर के नाम से और इसके कुछ पब्लिक फंक्शंस में बनाऊँगा और इनमें से एक होगा ऐड। और ऐड क्या करेगा, ऐड यहाँ पर सिंपली दो इंटीजर्स लेगा, इंट ए इंट बी। ठीक है, और दो इंटीजर्स को लेकर वो रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। और आप लोग कहेंगे यार ये क्या मजाक था, ए प्लस बी को रिटर्न करना इतना सिंपल, हाँ यार ए प्लस बी को रिटर्न करेगा ये और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं देख रहा हूँ, रिटर्न वैल्यू ओके, तो मैंने void लिखा है, मुझे int लिखना चाहिए था। ठीक है, तो int add int a int b, ठीक है, दो नंबर को सम करता है और मान लो एक ऐसी कैलकुलेटर क्लास है जो कि हर तरह का काम करती है। और सम कॉम्प्लेक्स अगर मैं करूँ और वो क्या करेगी, दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लेगी, कॉम्प्लेक्स a कॉम्प्लेक्स b, और रिटर्न क्या करेगी a डॉट a। और मैं एक काम करता हूँ इसको O1 O2 कर देता हूँ, O1 O2 और मैं लिख दूंगा यहाँ पर O1.A प्लस O2.A। ठीक है, और सम रियल कर देता हूँ इसको, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक तो रियल पार्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो जो आयोटा के साथ होता है उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं और जो इसके साथ होता है इसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ए और बी है और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स ए इज़ इनएक्सेसिबल। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हो। तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि किस तरह से इस फंक्शन को एक्सेस दिया जा सकता है, किसका एक्सेस दिया जा सकता है, इसके प्राइवेट मेंबर्स का, जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्लास है उसके प्राइवेट मेंबर्स का। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका कुछ ये है, यानी कि मैं कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर जाऊंगा और कॉम्प्लेक्स क्लास क्या कहेगी, कॉम्प्लेक्स क्लास ये कहेगी कि भाई कैलकुलेटर के सम रियल कॉम्प्लेक्स को इजाज़त दी जाती है मेरे प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रेंड और उसके बाद मैं लिखूँगा इंट और उसके बाद मैं लिखूँगा सम रियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन उससे पहले मैं कैलकुलेटर का स्कोप रेजोल्यूशन भी लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी लिखूंगा कि कैलकुलेटर के सम रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इजाज़त दी जाती है, किसकी इजाज़त दी जाती है, मेरे प्राइवेट
मेंबर्स को एक्सेस करने की, सेव कर देता हूँ उसको मैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमने जिस तरह से पहले डिक्लेरेशन दिया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी देंगे। अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो हमने यहाँ पर फ्रेंड सम कॉम्प्लेक्स को दिया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया है और कह दिया है कि भाई यहाँ पर हम इसको परमिशन देते हैं, यानी कि अनुमति देते हैं कैलकुलेटर को। अभी देखो मैं इसको अगर रन करूँगा ना, यहाँ पर देखो रन किया मैंने, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, और ये देखो यहाँ पर आ गया एरर। और एरर क्या आ गया, एरर मैं बताता हूँ क्या आया। जब कंपाइलर, यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो मिस आउट कर जाओगे बातों को, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आया। गैस जो चीज़ अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्रेंड फंक्शन इसको डिक्लेयर कर दिया, इसको मैंने जैसे ही रन किया, आप लोग देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर मिल रहा है। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपना ये जो कैलकुलेटर है इसको ऊपर लेकर आऊँगा, और आप इंश्योर करना कि ये सेमीकोलन आपने लगा दिया है, क्योंकि अगर ये सेमीकोलन नहीं लगाया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कैलकुलेटर को ऊपर क्यों लाया मैं क्लास को, क्योंकि क्या होगा, कंपाइलर यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, बोलेगा ठीक है आईओ स्ट्रीम एसटीडी बढ़िया, कैलकुलेटर बढ़िया। फिर जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचेगा वो कहेगा यार कॉम्प्लेक्स क्या है, अब लोग कॉम्प्लेक्स क्लास है जो नीचे डिफाइन किया, वो कहेगा मुझे कैसे पता, मैं तो ऊपर से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ ना। वो बोलेगा अरे नीचे है, वो कहेगा गारंटी क्या है इस बात की, आप अपनी बात से मुकर गए तो मैं क्या करूँगा। तो आप कहते हैं कंपाइलर से, कंपाइलर भैया इतना लोड क्यों ले रहे हो, इतना लोड मत लो, आप फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ले लो। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ध्यान से सुनना क्या है, इस बात का ये मतलब है कि आप कंपाइलर को गारंटी दे रहे हो कि जो क्लास कॉम्प्लेक्स है वो आगे है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स क्लास है वो आगे मौजूद है। तो आपने क्या किया, आपने कह दिया कि जो क्लास कॉम्प्लेक्स है वो आगे मौजूद है, अभी के लिए आप क्या करो इसको जोड़ लो खाते में, ठीक है। तो बोलेगा चलो ठीक है इसको भी कंपाइल कर देता हूँ बिना एरर के। फिर वो नीचे आएगा, फिर आपने लिखा क्लास कॉम्प्लेक्स इंट, फिर आपने यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, आपने कहा फ्रेंड इंट कैलकुलेटर, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, सम रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आपने दोस्त बना दिया। तो अब मैं इसको अगर सेव करूंगा और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखो मुझे एक और एरर मिल रहा है, और ये कह रहा है कि O2 has incomplete type। और मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि आपने कॉम्प्लेक्स क्लास के बारे में बताया लेकिन क्या गारंटी है कि उसमें A है या B है, क्या है, आपने तो सिर्फ ये बताया कि क्लास मौजूद है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें A है B है या क्या है। तो हम कहते हैं ठीक है कंपाइलर भैया हम एक काम करेंगे, आपको सिर्फ ये यहाँ पर इस तरह से डिक्लेरेशन दे देंगे, डेफिनेशन हम आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने के बाद दे देंगे। तो कंपाइलर बोलेगा ठीक है ये भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे इसको, वो जो तरीका हमने सीखा था ना जिसमें कि हम पहले डिक्लेरेशन देते हैं और उसके बाद डेफिनेशन देते हैं, तो वो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता होगा इस तरह से हम क्लास का नाम यहाँ पर पहले डेटा टाइप जैसे इंट और फिर यहाँ पर कैलकुलेटर और उसके बाद सम रियल कॉम्प्लेक्स, ये करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कंपाइल हो गया बिना किसी एरर के, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब ज़रा इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने करा क्या यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले तो कैलकुलेटर क्लास बनाई, एक बहुत ही सिंपल सी क्लास जो कि क्या करती है, एक तो ऐड फंक्शन लेती है, तो मैंने ऐसे ही ऐड किया है ताकि एक फंक्शन एक्स्ट्रा रहे, और दूसरा जो मैंने फंक्शन ऐड किया उसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पर दे दूँ तो मैं एक ऐसी क्लास का इस्तेमाल करने लग जाऊँगा जो कि मैंने अभी तक डिफाइन नहीं करी है। तो मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि भाई है क्लास, ठीक है, उसके बाद मैं क्लास को यहाँ पर लिखना चालू करूँगा। फिर मैंने कहा कि कैलकुलेटर के सम रियल कॉम्प्लेक्स को दोस्त बना लो, यानी कि उसको अपना सारा प्राइवेट डेटा समर्पित कर दो, उसको दे दो कि भाई तू मेरा प्राइवेट डेटा एक्सेस कर ले, ठीक है। अब क्या होगा, कंपाइलर को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर जो कैलकुलेटर का सम रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एक्सेस करने की कोशिश करे इसके प्राइवेट डेटा को, क्योंकि इसने खुद ही बोला यार ये मेरा दोस्त है, ये खुद ही बोल रहा है कि भाई कर लो मेरा डेटा एक्सेस, ठीक है। तो अब क्योंकि इसने खुद ही बोल दी है ये बात, इसलिए कंपाइलर को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शंस जो कि हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स क्लास में डिफाइन कर रखे थे पहले से, अगर आपने वीडियो नंबर 26 देखा हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हमने ये जो सम रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा, एक O1 और एक O2, और मैं यहाँ पर
ओवन डॉट सेट नंबर करूँगा, और ये क्या करता है, सेट नंबर दो इंटीजर्स लेता है, वन और फोर कर दूंगा। सिमिलरली मैं ओ टू डॉट सेट नंबर करके फाइव और सेवन कर दूंगा। तो मैंने ओ वन और ओ टू को डिफाइन कर दिया कि वो क्या है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना लिए और उनके अंदर डेटा डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कैलकुलेटर क्लास के सम रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन से इन दोनों के, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं सम रियल कॉम्प्लेक्स ओ वन ओ टू टाइप करूँगा, सम रियल कॉम्प्लेक्स ओ वन ओ टू, और वो होगा कैलकुलेटर का, ठीक है। तो कैलकुलेटर का मैं एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कैलकुलेटर कैल्क, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कैल्क डॉट सम रियल कॉम्प्लेक्स, और मैं यहाँ पर ओ वन ओ टू इसको दे दूँगा। मैं कहूँगा जी मुझे बताओ रिजल्ट के अंदर, मुझे रिजल्ट के अंदर बताओ कि सम रियल कॉम्प्लेक्स ओ वन और ओ टू का क्या है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा द सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओ वन एंड ओ टू इज, और मैं लिख दूँगा यहाँ पर रेज, ठीक है। और एक हैंडल भी डाल देते हैं। इसको अब मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो कि दो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक तो क्या था वन प्लस फोर आयोटा और एक था फाइव प्लस सेवन आयोटा, और इनके रियल पार्ट का सम क्या है, पाँच और एक छः, और ये देखो मैंने ये बता दिया है। अब आप लोग सोचोगे इसमें क्या नया किया मैंने, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास के फंक्शन को दूसरे क्लास का फ्रेंड बनवाया। अगर मैं ये डिक्लेरेशन यहाँ पर नहीं डालता तो ये कतई इस चीज़ को एक्सेस कर नहीं पाता और एरर मिलता है। यहाँ पर देखो एरर्स आ रहे हैं, ये इसलिए एरर्स आ रहे हैं, कह रहा है कि भाई कैलकुलेटर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कॉम्प्लेक्स के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स खुद ही कह रहा है कि भाई मेरे डेटा को एक्सेस कर लो, मेरा प्राइवेट डेटा ले लो, मेरे प्राइवेट डेटा को लेकर मुझे जो है मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम मेरे प्राइवेट डेटा को ले लो, तो ऐसा मैं अगर कर दूंगा तो क्या होगा कि ये इस तरह से क्लासेस जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक क्लास के फंक्शन को दूसरे क्लास का फ्रेंड कैसे बनाते हैं ये हमने देखा, और हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन को देखा कि क्या होती है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक ऐसी क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है तो आप लोगों को फॉरवर्ड डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास है। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ओ वन ओ टू नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखना शुरू करोगे तो आप ओ वन डॉट ए ओ वन डॉट बी अगर इसके अंदर यूज़ करोगे तो कंपाइलर बोलेगा तुमने तो सिर्फ ये बताया था क्लास कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ बताया था कि इसका ओ वन डॉट ए और ओ वन डॉट ओ टू डॉट बी भी है। तो आप क्या करें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करें, डिफाइन इसको, कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के बाद करें और इससे आपका एरर नहीं आएगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो थोड़ी सी खूबसूरती मिलेगी आपको, खूबसूरती का अनुभव मिलेगा, और वो अनुभव भी ले लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कूल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग देखेंगे कि ये फ्रेंड क्लास क्या होती है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिखूँ, और इस बार मैं रियल कॉम्प्लेक्स ना लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ कॉम्प कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट का सम, यानी कि जो पाँच और एक को सम कराया हमने, ये ना करा के सात और चार को सम करने का एक फंक्शन, और उसकी जो डेफिनेशन होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी होगी, वो बस एक ही जगह बी को सम कर देगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कॉम्प कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ओ वन एंड ओ टू इज रेज, और यहाँ पर रेज सी कर दूंगा इसको, यानी कि रेज कॉम्प्लेक्स, और रन करूँगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मैंने फ्रेंड नहीं बनाया इसको, मुझे फ्रेंड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो सम रियल कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने यहाँ पर, सम कॉम्प कॉम्प्लेक्स को भी मैं फ्रेंड बना लूँगा, ठीक है। और अब रन करूँगा तो देखो ये एज़ यूजुअल रन हो गया है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ करी है, एक और फंक्शन मैंने लिख दिया। अब मान लो मुझे 10 और फंक्शन लिखने पड़ गए ऐसे, मैं लिख रहा हूँ सम रियल कॉम्प्लेक्स, मैं लिख रहा हूँ सम कॉम्प कॉम्प्लेक्स, मैं लिख रहा हूँ सम फलाना कॉम्प्लेक्स, सम धमाका कॉम्प्लेक्स, वो सारी चीज़ें मैं इतनी बार लिखूंगा कि अगर 100 फंक्शन हो गए तो 100 फंक्शन को दोस्त बनाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो है फ्रेंड क्लास, यानी कि पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना लो। तो कॉम्प्लेक्स ये कह सकता है कि यार कैलकुलेटर क्लास का कोई भी फंक्शन जो है कुछ अगर कहे तो कंपाइलर भैया आप कोई आपत्ति मत करना, कैलकुलेटर क्लास का कोई भी फंक्शन मुझे यानी कि मेरे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअली डिक्लेयरिंग फंक्शंस एज फ्रेंड्स,
और अगर 100 हो गए तो कैसे करोगे इंडिविजुअली, दिक्कत हो जाएगी। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एलिटर, यानी कि इसका एक और तरीका है कि पूरी क्लास को मैं लिख रहा हूँ डिक्लेयरिंग द एंटायर क्लास एज फ्रेंड, यानी कि एंटायर कैलकुलेटर क्लास। या तो आप कुछ फंक्शंस को दे सकते हैं अनुमति इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए, इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की अनुमति आप लोग दे सकते हैं किसको, किसको दे सकते हैं अनुमति, आप अनुमति दे सकते हैं कैलकुलेटर के कुछ फंक्शंस को इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, चलो जी ठीक है। और अगर आप ये ना करें और बहुत सारे फंक्शंस हैं और आप सारे फंक्शंस को अनुमति देना चाहते हैं कैलकुलेटर के, तब आप पूरी क्लास को बना सकते हैं फ्रेंड। और आपको क्या लिखना है, लिखना है फ्रेंड फ्रेंड क्लास कैलकुलेटर, यानी कि पूरी कैलकुलेटर क्लास को ही दोस्त बना लो। और अब रन करोगे तो भी रन हो जाएगा। देखो देखो, ये ना लिखूँ ना अगर, तो ऐसा मत सोचना ये ना लिखूँ तब भी रन हो जाएगा, ये ना लिखूँ तो रन नहीं होगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो एरर पे एरर आ रहे हैं। लेकिन पूरी क्लास को ही दोस्त बना लिया जाए तो उसे कहते हैं फ्रेंड क्लास। आई होप कि जो मैंने मसाला इस वीडियो में आप लोगों को बताया वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। एक बार रिविजन कर लेते हैं इस चीज़ का जो मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में। मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, एक क्लास थी कॉम्प्लेक्स, एक क्लास थी कैलकुलेटर। हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर में दो फंक्शन बनाए। कैलकुलेटर एक ऐसी क्लास है जो कि हमें बेसिक कैलकुलेशंस करने में मदद करती है, उसमें बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो कि मदद करते हैं हमें अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस को करने में। और जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो वो रिटर्न करता है वैल्यू करस्पॉन्डिंग आप लोगों को। चलो जी बढ़िया, यहाँ तक समझ में आता है। फिर क्या होगा, उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स क्लास को लिखा। अब कॉम्प्लेक्स क्लास के प्राइवेट डेटा की ज़रूरत तो पड़ेगी कैलकुलेटर को। होता है ना, जब भी आप एंड्रॉयड ऐप वगैरह यूज़ करते हैं तो परमिशन ली जाती है आपसे कि भाई SMS आपके एक्सेस कर लिए जाएँ, आपकी जो SD कार्ड का डेटा है वो एक्सेस कर ले क्या, वो सारी परमिशंस आपसे मांगी जाती हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स से भी परमिशन मांगी जाती है और कॉम्प्लेक्स कह देता है जी दे दो परमिशन कैलकुलेटर को, मेरे सम कैलकुलेटर के सम रियल कॉम्प्लेक्स को परमिशन दे दो, कैलकुलेटर के सम कॉम्प्लेक्स को परमिशन दे दो। अगर कैलकुलेटर में 100 फंक्शन होते, अभी तो सिर्फ 3 है, लेकिन अगर 100 फंक्शन होते तब आप क्या करते। तो इसीलिए पूरी कैलकुलेटर क्लास को ही अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तब आप लोग इसको फ्रेंड क्लास बना सकते हैं। तो पूरी कैलकुलेटर क्लास में कहीं भी कोई भी फंक्शन अगर एक्सेस करना चाहेगा कॉम्प्लेक्स का प्राइवेट डेटा, तब वो एक्सेस कर पाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रेंड क्लास। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो के लिए ये चीज़ इनफ होगी। या तो आप इंडिविजुअली जो है एक क्लास के किसी फंक्शन को दूसरे क्लास के किसी फंक्शन का फ्रेंड बना सकते हैं, दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं, या फिर आप पूरी क्लास को ही बना दो फ्रेंड। यानी कि उस क्लास में, जैसे कि कैलकुलेटर क्लास में अगर कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तब वो कर पाएगा। तो ये डिक्लेरेशन है। तो या तो आप ये कर लो, ये करने से आप बहुत ज़्यादा हैवी परमिशन दे देते हो, कैलकुलेटर का कोई भी फंक्शन यूज़ कर पाएगा इसके प्राइवेट डेटा को। अगर आप पूरी कैलकुलेटर क्लास पे भरोसा करते हो तो आप दे सकते हो परमिशन, नहीं तो अगर आप कुछ फंक्शंस को परमिशन देना चाहते हो तो कुछ फंक्शंस को फ्रेंड बना सकते हो। तो इस तरह से आप एक क्लास के फंक्शन को फ्रेंड बना सकते हो और एक पूरी क्लास को भी फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है ग्रास्प करना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होती है दोबारा वीडियो को देखने में, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी शर्म ना करें, देख लें उसको। और जो लोग मुझसे छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं जैसे बॉयलर प्लेट कोड क्या कहाँ से आ गया, और मैं उनसे कहूँगा कि जब मैं आप लोगों से कहता हूँ इसको बुकमार्क करो और सेव करो और इसको देख लो आप शुरू से आखिर तक, तो आप समझने की कोशिश किया करें कि अगर आपको वो चीज़ आती भी है तो एक बार और अगर आप लोग देख लेंगे इस चीज़ को तो आप लोग का थोड़ा टाइम तो जाएगा। एक तो आपका रिविजन हो जाएगा और उसी के साथ साथ आप लोग अगर शुरू से मेरे साथ बने रहेंगे तो जो जो चीज़ें मैंने करी हैं वो आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पूरे कोर्स को एक घंटे में देखना है आपको, या फिर 2 घंटे में देखना है, या फिर एक दिन में सुबह से शाम तक देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइम दें अपने आपको 7-8 दिन का भी, और उसके बाद भी अगर आप 7-8 दिन में भी 10-20 वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे अपना कंप्यूटर लेके तो डेफिनेटली हेल्प आपको मिलनी। तो ये फ्रेंड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है C++ में, फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट है C++ में, क्लास के फंक्शन को किस तरह से फ्रेंड बनाना है वो सारी चीज़ें
आप लोग जो है यहाँ पर इस वीडियो से आई होप सीख गए होंगे। मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रोग्राम मैंने लिखाए हैं आपको इस वीडियो में, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करें, और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। सो गैस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप काइंडली कर दें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।